नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, HDFC बैंक अपना क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए कुछ नया ऑफर लेकर आ रहा है, यानी न्यू ईयर के लिए कुछ ऑफर दे रहा है अपना कस्टमर को। तो ऑफर क्या है बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो ऑफर है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक चलने वाला है, और जिसमें कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस ऑफर पाने के लिए। तो आपको SMS भेजना होगा कि 5750 नंबर पे आपको लिखना होगा HNY, उसके बाद में आपको सेंड कर देना है 5750 नंबर पे, तभी जाके आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे। और दोस्तों, ये जो ऑफर के बारे में मुझे मेल आया था कुछ दिन पहले, आप देख सकते हो कि जहाँ पर लिखा हुआ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में कि अमेजन वाउचर अर्थ ₹2000 ऑन योर HDFC क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, ये मुझे मेल आया था 3 दिन पहले, देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मुझे जनवरी 4 को आया है ये मेल, लेकिन आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफ़र डिटेल्स। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मंथली ऑफ़र गेट ₹500 अमेजन वाउचर ऑन स्पेंडिंग 50,000 इन ए कैलेंडर मंथ। दोस्तों, जब आप अपना कार्ड से 50K स्पेंड करोगे एक महीने के अंदर, तो आप एलिजिबल होंगे अमेजन का ₹500 गिफ्ट वाउचर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि बम्पर ऑफर गेट एन एडिशनल 500 अमेजन वाउचर ऑन स्पेंडिंग 50,000 इन ऑल 3 कैलेंडर मंथ। और अगर हर महीने में आप 50K स्पेंड करते हो अपना कार्ड से 3 महीना तक, तो आपको 3 गिफ्ट वाउचर मिलेगा अमेजन से, 500 रुपया 1500 रुपया का। तो नीचे लिखा हुआ कि ऑफर पीरियड इज ऑफर चलने वाला है January 1 से 31 मार्च तक। तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्लिक योर रजिस्टर फॉर द ऑफर। आपको SMS भेजना होगा ये ऑफर पाने के लिए, आपको रजिस्टर करना होगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। और दोस्तों, ये जो ऑफ़र जिनको मेल गया है, जिनको मेल आया है इस ऑफ़र का बारे में, उन लोगों को मिलने वाला है, सबको नहीं मिलेगा। और जिनका पास है HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, तो उन लोगों के लिए ऑफ़र एलिजिबल होंगे इस ऑफ़र के लिए। तो चलिए टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा हो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत कुछ दिया गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारे पॉइंट दिया गया है, तो इसे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, यहाँ पर तो इसमें जो मेन पॉइंट थोड़ा कोशिश करूँगा आपको पढ़ के समझाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द ऑफर इज़ वैलिड फ्रॉम January 1 टू 31 मार्च 2022। उसके बाद यहाँ लिखा गया कि ऑफर डिटेल्स मंथली 500 अमेजन वाउचर ऑन स्पेंडिंग 50,000 और बम्पर ऑफर एडिशनल 500 अमेजन वाउचर स्पेंडिंग 50,000 इन ऑल 3 मंथ्स। तो यहाँ पर हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि अगर आप स्पेंड करते जनवरी मंथ में आप स्पेंड करते 50,000, तो आपका जो गिफ्ट वाउचर मिलेगा 31 मार्च यानी 2 महीने के बाद में आपको मिलने वाला। अगर आप ट्रांजेक्शन कैश ऑन EMI में कन्वर्ट करते हो, बैलेंस ट्रांसफ़र करते हो, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे ये ऑफ़र के लिए। कैंसल्ड रिफंड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दिस ऑफर पीरियड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ स्पेंड अमाउंट एंड विथ दस नॉट एक्चुअल बेनिफिट अंडर दिस। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैंसल एंड रिफंड ट्रांजेक्शन ऑफर के दौरान उसको मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि कौन सा ट्रांजेक्शन वैलिड होता है, कौन सा ट्रांजेक्शन इनवैलिड होता है। तो मैंने बाद में कस्टमर को फ़ोन किया, तो उनको पूछा है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हम वॉलेट में मनी ऐड करते हैं, और जैसे कि पेजैप पेटीएम, जब हम वॉलेट में मनी ऐड करते हैं ये सभी कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जब आप रेंट पेमेंट करोगी, कार्ड पेमेंट करोगी, तभी वो ट्रांजेक्शन कंसिडर होगा।